हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राड प्रोडिक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं ब्राड प्रोडिक्शन। लंका प्रीमियर लीग 2023, कौन जीतेगा आज का मुकाबला? तो आज हम बात करने वाले हैं आज खेले जाने वाले मुकाबले की, जो खेला जाएगा कोलंबो स्ट्राइकर वर्सेज वीलम कैंडी के बीच। इस मुकाबले के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बेस्ट प्लेइंग 11 किस टीम की है, पिच रिपोर्ट क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले 9711659549 है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप किसी भी मैच की कंफर्म विनिंग रिपोर्ट चाहते हैं, किसी भी मैच में आप प्रॉपर एक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे नंबर पर मैसेज करके 9711659549। इसके अलावा अगर आपकी क्रिकेट रिलेटेड कोई क्वारी होती है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बात करेंगे मैच नंबर 18 की, जो खेला जाएगा आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में। 13 अगस्त आज का डेट रहेगा और शाम 7:30 बजे से इसका लाइव टेलीकास्ट होगा फैन कोड ऐप पर। अब बात करें अगर हम सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन की, तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन काफ़ी अच्छी है, अच्छे बैटर्स और अच्छे बॉलर्स है। अब बात करते हैं इन फॉर्म बैटर की, इन फॉर्म बॉलर्स की, जो टीम को विन कराने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले कोलंबो पर नज़र डालते हैं, तो कोलंबो में आपको मिलेंगे पथुम निसंका, उनके बाद मिलेंगे आपको बाबर आजम, फिर मिलेंगे निरोशन डिकवेला, उसके बाद मिलेंगे आपको एन फर्नांडो, उसके बाद मिलेंगे ए परेरा, फिर मिलेंगे आपको इफ्तिकार अहमद, उसके बाद मोहम्मद नवाज, उसके बाद चमिका करुणारत्ने, मतिक्चा परिथाना, जेफर वेंडरसी, नसीम शाह। तो ये रहेगी प्रॉपर 11 कोलंबो की। अब अगर हम कोलंबो की बैटिंग की बात करें, तो देखा जाए तो टोटल 4 बैटर ऐसे हैं जिस पर ये टीम डिपेंड करती है, पथुरी शंका, बाबर आजम, निरोशन डिकवेला, इफ्तिकार अहमद। इन 4 बैट्समैन पर ये टीम रिलाई करती है। बाबर आजम अच्छी फॉर्म में चल रहा है, पथुम निशंका काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, और इफ्तिकार अहमद अभी तक लंका लीग में कुछ बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं, लेकिन ये अच्छा प्लेयर है और अच्छी हिटिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है। बात करें कैंडी की, कैंडी बहुत अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। मोहम्मद हारिस टॉप पर आएंगे फ़खर जमान के साथ, दोनों ही बैटर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और लास्ट मैच में मोहम्मद हारिस ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 80-90 रन के आसपास का स्कोर किया था। उसके बाद दिनेश चंडीमल एवरेज प्लेयर है, किसी मैच में तेज़ खेलते हैं, किसी में जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके बाद अर्चिगे, एंजेलो मैथ्यूज, बनिंदु हसरंगा, और उसके बाद आता है आसिफ अली। तो कैंडी की जो टीम रिलाई करती है, रिलाई करती है मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, आसिफ अली, और साथ ही साथ बनिंदु हसरंगा की बैटिंग पे, क्योंकि बनिंदु हसरंगा काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा है और पिछले 3 मुकाबलों के अंदर 2 मैचेस में बहुत फास्ट 50 भी लगा चुका है। बाकी इस टीम के अंदर दिनेश चंडीमल, एंजेलो मैथ्यूज या फिर अर्चिगे, ये कोई रिलाई करने वाले बैट्समैन T20 फॉर्मेट में करंट में नहीं है। बॉलिंग की बात करें तो इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी नज़र आती है, इशरुद्दौला, दुष्मंत चमीरा, मुजीबुर रहमान, नुमान प्रदीप और बनिंदु हसरंगा। तो काफ़ी अच्छी इनकी बॉलिंग नज़र आती है। और बैटिंग की बात करें तो बैटिंग थोड़ी सी, अगर मैं बात करूं तो बैटिंग टीम काफ़ी ऊपर चल रही है, टीम अपनी बॉलिंग और ऑलराउंडर पे ऊपर चल रही है, कोई ना कोई हीरो निकल के आ जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करूं तो कंपेयर में थोड़ी सी डेप्थ नज़र आती है कोलंबो की बैटिंग में, क्योंकि मोहम्मद नवाज, चमिका करुणारत्ने तक इनके पास एक बैटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बात करें पिच रिपोर्ट की, तो मैच जो खेला जाएगा आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में। इस ग्राउंड पर अभी तक टोटल 37 मैचेस खेले गए हैं लंका लीग के, जिसमें से 20 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं और 17 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। ज़्यादातर मैच इस ग्राउंड पर एवरेज स्कोर के होते हैं, 150-160 के अराउंड के मैचेस देखने को मिले हैं, तो 150 यहाँ का एवरेज स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे का स्कोर 18 बार लगा है टोटल 37 मैच में, 150 से 170 के बीच में 7 बार स्कोर किया है, 170 से 190 के बीच में 8 बार स्कोर किया है, और 190 से ऊपर 4 बार स्कोर किया है। अगर दिन का मैच होता है, नॉर्मली देखा गया है कि जो दिन का मैच होता है उसमें स्कोर जो जाता है ठीक जाता है, क्योंकि फ्रेश विकेट होती है, और अगर उसी के बाद दो सेकेंड मैच उसी पिच पे होता है, क्योंकि लंका लीग के अंदर 2 ही वेन्यू पे पूरे मैचेस कराए जा रहे हैं, तो सेकेंड मैच जो होता है क्योंकि ह्यूज पिच हो जाती है, तो उस मैच के अंदर आपको स्कोर थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। बात करें ऑन वेन्यू, इस वेन्यू पे दोनों ही टीमों की क्या परफॉर्मेंस रही है, दोनों ही टीमें 10 मुकाबले इस ग्राउंड के अंदर खेली हैं, जिसमें से 4 मुकाबले कोलंबो जीती है लास्ट 10 में से, और 4 ही मुकाबले कैंडी जीती है लास्ट 10 में से। 140 के अराउंड दोनों का एवरेज स्कोर है, 182 हाईएस्ट स्कोर है कोलंबो का और 178 हाईएस्ट स्कोर है कैंडी का। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 100 से नीचे का ही दोनों टीमों का लोएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पर रहा है। टीम परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों ही टीमें अपने लास्ट के 10 मुकाबले खेली हैं, जिसमें से 4 मुकाबले कोलंबो जीती है और 6 मुकाबले कोलंबो हारी है। इधर बात करें कैंडी की, कैंडी अपने लास्ट 10 में से 6 मुकाबले जीत के आई है, और ये 6 में से लगभग 3 से 4 जीते हैं इसकी इस साल आई है। उसके बाद बात करें एवरेज स्कोर की, तो दोनों ही टीमों का एवरेज स्कोर 145 से 150 के बीच में नजर आता है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कोलंबो ने 189 रन का हाईएस्ट स्कोर बनाया है, और
बात करें कैंडी की, तो कैंडी का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 203 रन है। लोएस्ट की बात करें तो 109 रन कोलंबो का लोएस्ट स्कोर है, 97 कैंडी का लोएस्ट स्कोर है। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें, दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 7 बार आई हैं, जिसमें से 5 बार कोलंबो जीती है और 2 बार कैंडी के मुकाबले अपने नाम किए हैं। की प्लेयर्स की बात करें तो कोलंबो की साइड से जो की प्लेयर्स रहने वाले हैं, जो लोग ड्रीम इलेवन या फैंटेसी इलेवन बनाना पसंद करते हैं, वो इन प्लेयर्स को अपनी टीम में ले सकते हैं। पथुम निशंका, बाबर आजम, निलसन टिकवेला, इफ्तिकार अहमद बैटर्स में कोलंबो की तरफ से अच्छा परफॉर्म करेंगे। मोहम्मद हारिस, फ़कर जमान, आसिफ अली कैंडी की तरफ से आपको अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। अब बॉलर की बात करें कोलंबो में, चमिका कर्णारत्ने, मतिक्चा परिथाना, नसीम शाह की तरफ से आपको अच्छी बॉलिंग देखती नजर आएगी। और कैंडी की बात करें तो कैंडी में आपको बानिंदु हसरंगा, मुजीबुर रहमान और दुश्मन चमीरा टॉप बॉलर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं विनिंग प्रेडिक्शन की। तो क्या कहती है हमारी विनिंग प्रेडिक्शन आज के मैच में? मुझको लगता है कि दोनों का जो मुकाबला है, वो कोलंबो की बात करें या फिर कैंडी की बात करें, 50-50% का मुकाबला नजर आता है। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखते हुए, बैटिंग की डेप्थ को देखते हुए और किस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर है जिस पर टीम रिलाई कर सकती है, उसको देखते हुए मुझको लगता है कि कोलंबो आज का मुकाबला विन करेगी। कोलंबो अगर फर्स्ट बैट पे आती है या कोलंबो सेकंड बैट पे आती है, तो कोलंबो इस मुकाबले को जीतने की तरफ जाएगी। तो अगर आप कोलंबो के साथ जाना चाहते हैं तो आप कोलंबो के साथ जा सकते हैं। और करंट में 2023 जो LPL चल रहा है, इसमें अच्छा परफॉर्म अभी तक देखा जाए तो कैंडी ने किया है। तो अगर आप कैंडी के साथ जाना चाहें तो कैंडी के साथ जा सकते हैं। कन्फर्म फाइनल जो विनिंग प्रेडिक्शन आपको दी जाएगी वो हमारे टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रॉपर एंट्री के साथ काम चाहते हैं और रेगुलर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो 9711659549 इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।